क्लास सेवन साइंस क्लास में आपका एक बार स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में दो क्वेश्चन आंसर तक पहुंचे थे, क्वेश्चन नंबर टू करा दिए थे। अब आज है क्वेश्चन नंबर थ्री, डिस्क्राइब फोटोसिंथेसिस। नेयर द वेरियस फैक्टर्स ऑफ एक्टिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के बारे में बताएंगे और फोटोसिंथेसिस को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं उसका भी नाम लिखना है। फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस बाई विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो आप प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पौधे अपना भोजन दूध बनाते हैं उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस इज डिस्क्राइब बाय द फॉलोइंग सब। फोटोसिंथेसिस को निम्नलिखित प्रक्रिया के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल प्लस ऑक्सीजन। तो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन हो गया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल और ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन और हुआ। इसको जब सिंबल के रूप में लिखा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2। इसमें रिएक्शन के दौरान 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे 6CO2 प्लस वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। तो वाटर के लिए लिखेंगे 6 मॉलिक्यूल वाटर का यूज होता है 6H2O। 6CO2 प्लस 6H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है 6C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन O2, 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन। कंप्लीट रिएक्शन क्या हो गया सिंबल के फॉर्म में 6CO2 प्लस 6H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल C6H12O6 प्लस 6O2। फैक्टर्स ऑफ एक्टिंग फोटोसिंथेसिस आर गिवन बिलो। इसमें दूसरा पार्ट है नेम द वेरियस फैक्टर ऑफ एक्टिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करने वाले कारकों का नाम लिखिए। पहला है लाइट इंटेंसिटी, सेकंड नेचर ऑफ लाइट, थर्ड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड फोर्थ टेम्परेचर। फैक्टर्स ऑफ एक्टिंग फोटोसिंथेसिस आर गिवन बिलो। फर्स्ट लाइट इंटेंसिटी, सेकेंड नेचर ऑफ लाइट, थर्ड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड फोर्थ टेम्परेचर। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन है डिस्क्राइब द रोल ऑफ लीव्स इन फोटोसिंथेसिस। लीव्स का रोल फोटोसिंथेसिस में लिखिए। आंसर फोटोसिंथेसिस ऑफर्स मोस्टली इन लीव। फोटोसिंथेसिस मुख्य रूप से लीव्स में ही होता है। द इनर स्ट्रक्चर ऑफ द लीव शो टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स। लीव का जो अंदरूनी भाग है उसके अंदर की संरचना है इसमें दो मुख्य विशेषताएं होती हैं। पहला फर्स्ट प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल। प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल लीव के इनर स्ट्रक्चर में जो सेल पाया जाता है उसमें क्लोरोफिल होता है। और सेकेंड है प्रेजेंस ऑफ ए स्मॉल पोर्स जनरली ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीफ। लीफ के निचले हिस्से में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमाटा। इस पोर्स को इस छिद्र को स्टोमाटा कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स अ लीफ थ्रू दीज पोर्स। कार्बन डाइऑक्साइड इसी पत्तियों की सहायता से छोटे छोटे छिद्रों की सहायता से लीफ में प्रवेश करता है। तो आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन हो गया। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है डिस्क्राइब द टर्म सिम्बियोसिस। क्या क्वेश्चन है डिस्क्राइब द टर्म सिम्बियोसिस। गिव द नेम ऑफ प्लांट दैट एग्जिबिट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और उस प्लांट का नाम लिखिए जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को बताता है। इसका आंसर हो जाएगा सिम्बायोटिक का एप्लीकेशन लिखा भी है वही आंसर है। द टू प्लांट्स विच लिव टुगेदर एज पार्ट ऑफ द सेम प्लांट एंड म्यूचुअली हेल्प ईच अदर आर कॉल्ड सिम्बायोन्ट्स। ऐसे दो पौधे जो दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक ही प्लांट में दोनों रहते हैं, दोनों एक दूसरे का मदद करते हैं, इसको हम सिम्बायोन्ट्स कहते हैं।
रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअली है ईच अदर इज कॉल्ड सिंबायोसिस, और ऐसा रिश्ता जिसमें दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं इसको सिंबायोसिस कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है इस क्वेश्चन का, गिव द नेम ऑफ प्लांट दैट एग्जिबिट सिंबायोटिक रिलेशनशिप, उस प्लांट का नाम लिखिए जो सिंबायोटिक रिलेशनशिप दिखाता है। इसका आंसर हो जाएगा द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन लाइक एंड इज सिंबायोटिक, लाइकेन में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है सिंबायोटिक होता है। लाइकेन इज मेड अप ऑफ फंगस एंड एल्गा लिविंग टुगेदर, लाइकेन फंगस और एल्गा इन दोनों से मिलकर के बना है, तो दोनों एक साथ रहते हैं। आज हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर समाप्त हो गया, और इसमें का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है डिफिनेशन हो गया है, निकाल दिया गया है, उसको आप लोग कर लीजिएगा। अगले चैप्टर में हम लोग अगले क्लास में पहुँचेंगे सेकेंड चैप्टर, तब तक के लिए धन्यवाद।